हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक फेस वॉश का रिव्यू। तो ये है क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश, ऑयल फ्री, वोंट क्लॉग पोर्स, जेंटली रिमूव्स डर्ट, ऑयल एंड पिंपल्स कॉजिंग जर्म्स। जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट है ये। 50 ml इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी है। प्राइस की अगर हम बात करें इसकी तो ये है 70 rupees का। 3 साल की हमें मिलती है इसकी शेल्फ लाइफ। इस पर लिखा है क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश इज स्पेशली डिजाइंड फॉर यंग स्किन टू रिमूव एक्सेस ऑयल, वाइल इट्स स्पेशल इंग्रीडियंट्स हेल्प्स प्रिवेंट पिम्पल्स। इट्स लिक्विड फार्मूला क्लीन्स डीप विदाउट कॉजिंग ड्राइनेस एंड इज जेंटल इनफ टू यूज एवरी डे फॉर क्लीन एंड क्लियर स्किन दैट ग्लोज। और यहाँ पर इसके डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं इस पर किसे कैसे इस्तेमाल करना है। अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑन वेट पाम एंड वर्क इन टू रिच लेदर, जेंटली मसाज ऑन टू फेस अवॉइडिंग आई एरिया, रिंस ऑफ थ्रोली, यूज ट्वाइस डेली फॉर क्लीन क्लियर एंड ब्यूटिफुल स्किन। सब कुछ इस पर मैंशन किया गया है और यहाँ पर इसके इंग्रीडियंट्स वगैरह मिसिंग हैं, नहीं दिए हुए हैं इस पर। अगर होते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। क्लीन एंड क्लियर एक वेल नोन ब्रांड है। इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्पेशली फेस वॉशेज इनके बहुत अच्छे होते हैं, मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। इनका एक मैंने एप्पल वाला भी इस्तेमाल किया था और पिंपल क्लियरिंग फेस वॉश आता है इनका, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। जिनकी पिंपल प्रोन स्किन है ना, तो उनके लिए तो क्लीन एंड क्लियर के फेस वॉशेस बेस्ट होते हैं। ये फेस वॉश भी काफ़ी टाइम पहले मैंने इस्तेमाल किया था, मैं कंटिन्यू इसे ही इस्तेमाल करती थी। अभी खैर मैं कभी कभी चेंज करते रहती हूँ फेस वॉश, कभी कोई इस्तेमाल करती हूँ कभी कोई, पर ये वाला फेस वॉश जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पर ना गलती से मैंने इसकी छोटी पैकेजिंग मंगवा ली, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि एकदम छोटा सा, आप देखा सा छोटू सा है ये बिल्कुल। इसलिए आप अगर लेना चाहते हो ना तो बड़ी पैकेजिंग ही लें, क्योंकि वो आपको अफोर्डेबल भी पड़ता है और ये बहुत ही छोटा सा। खैर ये तो ट्रैवलिंग के लिए काम आ ही जाता है, पर ये बहुत ही छोटा सा है। पर ना क्लीन एंड क्लियर के एक फेस वॉशेस की एक खास बात मुझे ये लगती है कि इनका ना ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता। इतना सा फेस वॉश लेना पड़ता है आपको और ये काफ़ी टाइम तक चलता भी है। इतना फेस वॉश तो मुझे काफ़ी दिन तक चल जाएगा। और जिनकी पिंपल प्रोन स्किन है, एक्ने है जिनको, उनके लिए इनके फेस वॉशेस बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके फेस से ऑयल को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। ऑयली स्किन के लिए तो इनके फेस वॉशेस बेस्ट है। ये पोर्स को क्लॉग होने देते, आपके फेस से रिमूव कर देते हैं डर्ट को, ऑयल को भी नहीं आने देते। ऑयली स्किन के लिए ना तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगी। और ना इसकी खास बात ये कि आपकी स्किन को ड्राई आउट भी नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे फेस वॉशेस ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन से ऑयल को तो रिमूव कर देते हैं पर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। पर इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी और साथ ही साथ ऑयल फ्री हो जाएगी। तो अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी का फेस वॉश चाहते हैं स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, जो आपके पिंपल्स को भी आने से रोके और आपके फेस से ऑयल को भी हटाए और साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी रखे, तो आप इस फेस वॉश को ज़रूर ट्राई करके देखिए। आपको हाईली रिकमेंड करूंगी मैं ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और पैकेजिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फ्लिपटॉप कैप है ये। इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है ये, बिल्कुल जेल जैसा है। और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी का फेस वॉश ढूंढ रहे हो ना तो ये वाला तो आप मेरी रिकमेंडेशन पर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे इसे परचेज करने के बाद। और क्लीन एंड क्लियर में भी बहुत सारे अलग अलग वेरियंट्स के फेस वॉशेज भी अवेलेबल है। ग्रीन एप्पल है और एक शायद ब्लू भी आता है, एक पिंक भी आता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। पर ये वाला जो फेस वॉश है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करके देखिए। और ये बहुत अच्छा लेदर करता है, बस आप इसका इतना सा अमाउंट अपने हाथों पर लीजिए, बहुत अच्छा लेदर भी ये करता है, क्लीन कर देता है आपके फेस को। कंटिन्यू इस्तेमाल से ना आपके जो पिंपल्स वगैरह है वो भी आना बंद हो जाएंगे, आपके फेस पर ऑयली नहीं होगा तो आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो पिंपल प्रोन स्किन के लिए तो हाईली रिकमेंड करूंगी, ऑयली स्किन के लिए हाईली रिकमेंड करूंगी, ज़रूर ट्राई कीजिए आप इसे। इसमें आपको छोटी बड़ी पैकेजिंग मिल जाएगी और ऑनलाइन ऑफलाइन तो ये इजीली अवेलेबल है ही। बस इसका एक यही प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन नहीं किए गए हैं, अगर इंग्रेडिएंट्स होते तो और भी अच्छा होता। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप और भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।